नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी ने आपदा केंद्र का किया निरीक्षण, बारिश से किसानों का हुआ नुकसान। कृषि विभाग और आपदा केंद्र को आकलन करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में योजनाओं को लेकर सीएम धामी ने मोदी को दिया धन्यवाद। पूर्व में रखी हुई स्वीकृति भी मिली प्रदेश को, केंद्र के उत्तराखंड को दी प्राथमिकता। उत्तराखंड में कांग्रेस का अभियान मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान की शुरुआत, आवास के बाहर लगा रहे नेम प्लेट। उत्तराखंड में परिवहन विभाग जल्द ही लाएगा स्क्रैपिंग पॉलिसी। 3 लाख से अधिक वाहन जो सड़कों पर नहीं, सभी स्क्रैपर्स करेगा रजिस्टर। और उत्तराखंड में जल संसाधन संस्थान में गर्मियों की तैयारियों में जुटा, पेयजल समस्या दूर करने के लिए 219 टैंकरों का किया चिन्हित, टोल फ्री नंबर किया जारी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन बहुत बारिश हुई और बारिश के कारण कई जगह पर नुकसान भी हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग और आपदा केंद्र को मिलाकर नुकसान का आकलन लगाने के लिए कहा गया। पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस साल हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं मिली है। इसके साथ ही पूर्व में रखी हुई केंद्रीय सरकार की योजनाओं की स्वीकृति भी प्रदेश को मिल गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर विभाग से उत्तराखंड को प्राथमिकता में लेते हुए योजनाएं स्वीकृत की है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस वर्ष बहुत सारी जो सेंट्रल स्कीमें हमारी, एक तो पहले तो काफ़ी लंबे समय से जो रुकी हुई केंद्र की योजनाएं थी उन सभी को स्वीकृति मिली है। और पिछले सालों के अगर हम देखें तो 4-4 दशक से रुके हुए जो काम हैं उनको लगातार स्वीकृति मिल रही है। और इसी क्रम में जो सेंट्रल से हर विभाग ने अपने अधिकाधिक प्राथमिकता में लेते हुए उत्तराखंड को हर विभाग ने धनराशि जारी की है। हमको राज्य के विकास के लिए जो धनराशि आई हम लोग उसका समुचित तरीके से आगे लगाएंगे उसको। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के 51 गांवों को अपनी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत शामिल किया। इसमें फिलहाल 4 गांव नीति माणा मलारी और गुंजी में इस योजना के तहत काम चल रहा है। इस योजना से जुड़ी अहम जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के माणा गुंजी चाइना बॉर्डर से जुड़ी हुई है, ऐसे में इन्हें भारत का अंतिम गांव के रूप में नहीं बल्कि प्रथम गांव के रूप में माना जाएगा। इसका विकास भी प्रथम गांव के रूप में ही किया जाएगा। वहीं प्रथम चरण में नीति माणा गुंजी और मलारी को विकसित किया जाएगा। मंत्री जी नीति और मलारी गए थे और उन्होंने वहाँ से कल दूरभाष पर मेरी बात भी हुई थी और वो कार्यक्रम में भी जुड़े थे। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है वाइब्रेंट विलेज, और उन्होंने माणा प्रवास के दौरान इन सभी गांवों को जो भारत के पहले अंतिम गांव के रूप में हम लोग जानते हैं उनको हैं ही, उन सभी गांवों को प्रथम गांव कहा है कि वो भारत के प्रथम गांव होंगे और प्रथम गांव के रूप में ही उनके विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। उस दिशा में हमको 4 गांव अभी पहले चरण में नीति मलारी माणा और गुंजी 4 मिले हैं। इसके बाद अभी MHA कुछ गांव और भी जो है भारत का गृह मंत्रालय और गांव को भी सर्च कर रहा है,
उसमें भी हमें लगता है कि उत्तराखंड के और भी गांव सम्मिलित किए जाएंगे। आगामी 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने वाले भाजपा विधायकों का प्रशिक्षण शिविर फिलहाल स्थगित हो गया है। इस बार की जानकारी बीजेपी के महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी है। महामंत्री ने कहा है कि कर्नाटक के चुनाव को देखते हुए ये प्रशिक्षण शिविर स्थगित हुआ है। बताया कि केंद्रीय मंत्री कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं, ऐसे में भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष का गृह राज्य भी कर्नाटक में है, ऐसे में उनका समय भी नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने बताया कि ये प्रशिक्षण शिविर अब कर्नाटक चुनाव के बाद यानी कि जून माह में आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड के माननीय विधायकों का प्रशिक्षण 3 दिन का ये प्रस्तावित था 8, 9, 10 को, और इसी बीच में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव भी घोषित हुए हैं, तो जो हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के विषय रखने के लिए आने वाले थे, तो वे सभी लोग चुनाव में अब जो है लगे हैं। इसके कारण से यह प्रशिक्षण फिलहाल स्थगित हुआ है और कर्नाटक चुनाव के बाद अभी प्रशिक्षण आयोजित होगा। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ जहां बीजेपी विधायकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांवों की हकीकत को धरातल पर जानने के लिए गांवों का दौरा करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता जल्द ही सांसदों द्वारा गोद लिए गए गांव की हकीकत जानने गांव में जाएंगे। जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी आपस में वो लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे उनकी हालत बताया ना, विधायकों को ट्रेनिंग तो दे रहे हैं क्योंकि वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता की जो नुकसान हुआ है, जनता को जो चोट पहुंची उस पर मरहम लगाने का काम नहीं कर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है,
खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खड़ी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर, जन टीवी जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टोईवाला में कांग्रेस के परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार जिस तरह से सदन में विपक्ष की आवाज दबा रही है, उसे पार पाने के लिए कांग्रेस अब सत्याग्रह के माध्यम से आमजन के बीच सड़कों पर उतरेगी और जनता के सामने केंद्र की षड्यंत्रकारी नीति को उजागर करेगी। एक महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पंचायत तक पहुंच बनाने के लिए अपनी बात कांग्रेस रखेगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ईश्वर चंदपाल, मनोज नोटियाल, गौरव चौधरी नेगी और साथ साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। गुजरात के एक सेशन कोर्ट पे मानहानि का कोई केस था, उसमें उनकी सदस्यता तुरंत कोर्ट ऑर्डर निकला नहीं उससे पहले 26 घंटे में सदस्यता रद्द और उनसे कहा जाता है आप अपना बंगला खाली करिए। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ, पहली बात तो राहुल गांधी जी के करोड़ों करोड़ों निवास हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके करोड़ों करोड़ों चाहने वाले इस देश में हैं और हम सबके जो घर हैं वो राहुल गांधी जी के घर हैं और वो उस परिवार से आते हैं जिसने देश की आज़ादी से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने में जिनका श्रेय है, ऐसे परिवार से आते हैं। तो ये जो ये गीदड़ भपके से नहीं डरने वाले हैं और राहुल जी का जो प्रहार है उसमें और तीव्रता आएगी और सत्य की लड़ाई में और आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अरविंद केजरीवाल को धमकी दे दी है। सांसद ने कहा है कि जो दवा चंद्रशेखर ने दरवाजे पर राम जठमालनी में की थी वही दवा केजरीवाल की होगी तो वो ठीक नहीं जाएगा। बलिया लोकसभा सीट के बीजेपी के सांसद वीरेंद्र ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की किसी मेंटल अस्पताल में दवा करानी है।
अरविंद केजरीवाल के बयान को अब इतना गंभीरता से मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं एक ही दवा उनको बता रहा हूँ कि पहले तो उनके किसी मेंटल अस्पताल में दवा कराना है। दूसरा, एक बार बहुत पहले इसी तरह की भाषा बोलते थे राम जेठमलानी, तो जो दवा उनकी हुई थी चंद्रशेखर जी के दरवाजे पर, मुझे लगता है कि वही दवा उनकी अभी बाकी रह गई है, वो होगी तो उनका रोग ठीक हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने से जहां कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है, वहीं जल्द ही राहुल गांधी को अपना सरकारी बंगला खाली कराने का नोटिस भी मिल चुका है। इसी के तहत कांग्रेस ने मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान की शुरुआत कर दी है। अब सभी कांग्रेस जन अपने आवास के बाहर राहुल गांधी की नेम प्लेट लगा रहे हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दोसानी ने बताया कि नेहरू गांधी परिवार ने इस देश के लिए बहुत त्याग किया है और उनके त्याग की भावना का पता इसी से चलता है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सारी संपत्ति देश के नाम कर दी थी। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी अपने जेवर आनंद भवन और स्वराज भवन को देश को समर्पित कर दिया था। आज देश के अंदर एक जबरदस्त मुहिम चल रही है, मेरा घर राहुल गांधी का घर, क्योंकि राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने ना सिर्फ शहादत दी बल्कि अपना सर्वस्व इस देश के लिए त्याग दिया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सारी प्रॉपर्टी देश के नाम कर दी और रही सही कसर इंदिरा जी ने कर दी, जब युद्ध के समय पर अपने जेवर भी उतार कर दे दिए और आनंद भवन स्वराज भवन जैसी अपनी विहंगम प्रॉपर्टी जो है देश के नाम कर दी। ऐसे में आज सांकेतिक रूप से शुद्ध होकर जिस तरह से तानाशाही मोदी सरकार ने राहुल जी को बेघर कर दिया है और सरकारी आवास खाली करने के आदेश हुए हैं, उसके मद्देनजर कांग्रेस जन ही नहीं देशवासी एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें वो अपने घर में एक नेम प्लेट राहुल गांधी की लगा रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग जल्द ही स्क्रैपिंग पॉलिसी लाने जा रही है जिसके तहत अब कबाड़ हो चुके वाहनों को रजिस्टर स्क्रैपर्स की मदद से स्क्रैप किया जाएगा। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि अकेले राजधानी देहरादून 11,50,000 वाहन पंजीकृत है जिसमें से 8,50,000 वाहन ही सड़कों पर नजर आते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे 3,00,000 वाहन अभी भी राजधानी देहरादून में है जो जगह जगह खड़े हैं और सड़क सड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही परिवहन विभाग ऐसे सभी स्क्रैपर्स को आरटीओ में रजिस्टर करेगा और उनकी मदद से ऐसे सभी 3,00,000 वाहनों की स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग कराई जाएगी। लाख वाहन में से मात्र जो सड़क पर चल रहे हैं वो 8,50,000 वाहन है, तो ऐसे 3,00,000 वाहन देहरादून में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि सड़क पर संचालित नहीं हो रहे बट कबाड़ हो चुके हैं। इन वाहनों को सड़कों से हटाना, कभी गलियों में खड़े हैं, कभी सड़कों पर खड़े हैं, कहीं ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ यातायात ब्लॉक करते हैं, तो इन वाहनों को हमें हटाना है। इनको हटाने के लिए एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जा रही है जिसके अंतर्गत जो रजिस्टर्ड स्क्रैपर्स हैं जो स्क्रैप उठाते हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा और वो इन वाहनों को एक नियम के अनुसार नीलामी से, ऑनलाइन नीलामी से वो वाहनों को ले सकते हैं। गर्मियों के सीजन में पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए उत्तराखंड जल संसाधन ने कमर कस ली है और इसी के तहत तमाम व्यवस्थाओं को अमली जामा की पहचाना जा रहा है। उत्तराखंड जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि गर्मियों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए फिलहाल विभाग के पास 72 पानी के टैंकर है जिससे पेयजल की किल्लत को दूर किया जाएगा। 219 किराए के टैंकरों को भी चिन्हित किया गया है जो आवश्यकता के अनुसार पेयजल की किल्लत को दूर करेंगे। इसके साथ ही विभाग ने 192 शहरी मोहल्लों को चिन्हित किया है जहाँ पेयजल की किल्लत होती है और 346 से ग्रामीणों को क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर पेयजल टैंकरों के द्वारा पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि पूरे प्रदेश में यदि कहीं भी पानी की किल्लत होती है उसके लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जिस पर कॉल करके अपनी शिकायतों को दर्ज करवाया जा सकता है। देखिए गर्मियों की पेयजल की दिक्कत को दूर करने के लिए विभाग के पास 72 विभागीय टैंकर हैं और 219 किराए के टैंकर चिन्हित कर लिए गए हैं जो आवश्यकता अनुसार सभी क्षेत्रों में चलाए जाएंगे। तो शहरी क्षेत्रों में 192 मोहल्ले चिन्हित किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 346 बसावटें हैबिटेशन चिन्हित की गई हैं जहाँ पर गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम हो सकती है।
हाँ जी, टोल फ्री नंबर है 1800 180 4100, जो पूरे उत्तराखंड स्टेट के लिए है। रुड़की कोतवाली पहुंचे शिवगढ़ निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने कोतवाली रुड़की पुलिस को तहरीर देकर मोटर मैकेनिकल पर आरोप लगाकर लापता युवक की बरामदगी की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोटर मैकेनिकल शाहिद के पास उसका बेटा मोनू पहले काम सीखता था, लेकिन अब वह दूसरी दुकान पर काम करने लगा तो उसने रंजिश रखने का सोचा, जिसके चलते उसने ही उसके बेटे को बहला फुसला कर रुड़की लाकर साजिश के तहत गायब कर दिया है या फिर उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में कोतवाली रुड़की नरेश गंगवार ने बताया है कि शाहिद नाम के व्यक्ति ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को सूचना दी है कि उसके साथ का युवक पैर फिसलने से गंग नहर में डूब गया है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। उसका घर का लड़का घर से लेकर आया, घर से जाकर उसे बहक आकर रुड़की लेकर आया कि सुनने में आ रहा है कि मतलब वो नलके से रिपट कर नहर की पट्टी पर डूबा है और वो सही कंफर्म नहीं कर रहा और थाने वाले सही नहीं बता रहे, उसे पूछताछ नहीं कर रहे उससे कि मतलब भाई कैसे कहाँ पर डूबा कैसे नहीं बताया नहीं रहा कोई भी, नहीं थाने वाले बता रहे नहीं वो लड़का बता रहा। वो पेश हुआ तो क्यों हुआ, जब उसने कोई मर्डर नहीं कर रखा, उसने कोई बात नहीं कर रखी तो उसको थाने में क्यों पेश हो रखा, उससे आप पुलिस पूछताछ क्यों नहीं कर पा रही उससे। मेरे लड़के को यो जो मिस्त्री है यो बहका कर लाया है, पैसे पुसे का लालच दे कर लाया है, इसने गायब कर रखा है मेरा लड़का। कब का प्रकरण है, क्या हुआ था, कहाँ कब आया था? कल 12 बजे की बात है यार। हाँ जी, क्या कहा इन्हें? इसने ना तो हमारे पर फ़ोन किया और ना लड़के ने बताया, इसे पता नहीं किसी को बहकाया किसी को नहीं बहकाया, इसे ले आया फिर हमारे पर फ़ोन कराया इसने 2:30 बजे, इसने कहा कि तेरा लड़का नहर में डूब गया और टंकी उस पर नलके पर पानी पी रहा था और उसका पैर फिसल कर नहर में गिर गया। और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी ने आपदा केंद्र का किया निरीक्षण, बारिश से किसानों का हुआ नुकसान, कृषि विभाग और आपदा केंद्रों का आकलन करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में योजनाओं को लेकर सीएम धामी ने मोदी को दिया धन्यवाद, पूर्व में रखी हुई स्वीकृति भी मिली प्रदेश को, केंद्र ने उत्तराखंड को दी प्राथमिकता। उत्तराखंड में कांग्रेस का अभियान मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान की शुरुआत, आवास के बाहर लगा रहे नेम प्लेट। उत्तराखंड में परिवहन विभाग जल्द ही लाएगा स्क्रैपिंग पॉलिसी, 3 लाख से अधिक वाहन जो सड़कों पर नहीं है सभी स्क्रैपर्स करेगा रजिस्टर। और उत्तराखंड में जल संसाधन ने गर्मियों की तैयारी कर ली है, पेयजल समस्या दूर करने के लिए 219 टैंकरों को किया चिन्हित, टोल फ्री नंबर भी किया जारी। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर
जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है, खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज़।